नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। हाई अलर्ट में आज हम बात करेंगे उस वारदात की जिसमें एक अस्पताल के अंदर घुसकर बेखौफ बदमाशों ने पेशे से डॉक्टर और हिंदू वाहिनी के नेता की बेरहमी से हत्या कर दी। एक हिंदूवादी नेता के कत्ल की क्या रही वजह और कौन है कातिल, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। पुलिस की छानबीन करती है तस्वीरें प्रदेश में बेखौफ हो रहे बदमाशों की तस्दीक कर रही है। दरअसल पुलिस जिस जगह पर सुराग तलाशने की कोशिशें कर रही है, वहां बदमाशों ने एक डॉक्टर की हत्या को अंजाम दिया है। हिंदूवादी संगठन के नेता की निर्मम हत्या, बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर किया कत्ल। शाही में अनंत जीवन क्लिनिक पड़ता है, यहाँ पर उसके मैनेजमेंट को देखने वाले संजय सिंह भदौरिया व्यक्ति हैं। ये सुबह उसी क्लिनिक के बाहर मच्छरदानी में मृतक पाए गए और उनके शरीर पर धारदार हथियारों से वार किया गया था। इसमें मृतक के परिजन यहाँ आ चुके हैं और उनकी तहरीर के आधार पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें CCTV को खंगाला गया है। इसमें कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, उसमें एक व्यक्ति उनको मारता हुआ दिख भी रहा है, उसकी पहचान की जा रही है। ये तस्वीर बरेली के हिंदू वाहिनी के नेता संजय सिंह भदौरिया की है, जिनकी सुबह उनके अस्पताल के बाहर ही चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। हत्या करने वाले ने संजय पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने अस्पताल के बाहर पलंग पर सो रहे थे। CCTV कैमरे में कैद हुई हत्या की वारदात। CCTV फुटेज में दिखा हत्याकर्ता शख्स। हिंदू युवा वाहिनी के नेता डॉक्टर संजय सिंह भदौरिया की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। उन्हें किसी तेज धार वाले चाकू से काटा गया। डॉक्टर संजय सिंह हिंदूवादी संगठन चलाते थे और राजनीतिक रूप से समाज में काफी सक्रिय थे। मीरगंज तहसील से हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह दुमका में अपना निजी हॉस्पिटल चलाते थे। रोज की तरह बुधवार की रात वो अपने हॉस्पिटल परिसर में ही सो रहे थे। देर रात अज्ञात बदमाशों ने अस्पताल परिसर के अंदर ही हिंदू युवा नेता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। डॉक्टर संजय सिंह का शव जब सुबह हॉस्पिटल परिसर के अंदर खून से लथपथ मिला तो सनसनी फैल गई। निजी हॉस्पिटल संचालक की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौकाए वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने घेरबंदी कर आरोपी इमरान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। SSP रोहित सिंह सजवार ने बताया कि जो आरोपी है वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और उसी लड़की से जो हिंदू युवा वाहिनी के नेता संजय सिंह भदौरिया हैं वो भी मोहब्बत करते थे, जिस वजह से आरोपी इमरान ने संजय सिंह भदौरिया को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने अस्पताल में लगे CCTV फुटेज खंगाले तो हत्यारों की शिनाख्त हो गई, जिसके बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की हत्यारोपी इमरान से हुई मुठभेड़, प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की आशंका और पुलिस के द्वारा वहाँ आसपास लगे जो CCTV फुटेजेज हैं उनको खंगाला गया और ये पता चला कि एक व्यक्ति उसमें इनको धारदार हथियार से मार रहा है। जो मृतक के परिजन है उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इसकी पहचान की इमरान के रूप में की, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास बताई गई। पुलिस के द्वारा इसके बाद इमरान की को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई, जो उसको पकड़ने के लिए जब गए तो उसके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध असलाह बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुए। हत्या का जो कारण है वो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, जिसमें कि एक लड़की है उससे जो मृतक है उसके भी संबंध थे और जो ये अभियुक्त है इसके भी संबंध थे। संजय भदौरिया के कत्ल का एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जल्द ही वारदात के पीछे की वजह भी सामने आ जाएगी। आशंका जाहिर की जा रही है कि वारदात प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई, लेकिन कातिलों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है वो पुलिस मुश्तैदी की पोल जरूर खोल रही है। बरेली से अनूप मिश्रा, ABP गंगा।